जी मैम, शुरू करें मैम? आवाज आ रही है अभिषेक जी? हाँ जी, मैम आवाज आ रही है, स्पष्ट आ रही है, आवाज भी अच्छी आ रही है, आपकी पिक्चर भी क्लियर है। मेरी आवाज आ रही है मैम आपको? हेलो, मेरी आवाज आ रही है मैम? प्रिय विद्यार्थियों, किसी तकनीकी कारणवश मैम लेफ्ट आउट हो चुकी है मीटिंग से, पर आप लोगों से अनुरोध है मैम दोबारा जुड़ रही हैं। मैम ने मुझे व्हाट्सएप, जी शायद जुड़ चुकी मैम। जी जी मैम, मेरी आवाज आ रही है ना मैम? हेलो हाँ मैम, हेलो मेरी आवाज आ रही है आपको? अभिषेक जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो थोड़ा वॉल्यूम चेक कीजिए मैडम, वॉल्यूम वॉल्यूम। आ रही है आवाज? ठीक, जी, वॉल्यूम शायद ठीक हाँ है जी, ना? आवाज आ रही है मैम। हाँ अभिषेक सर, आपकी आवाज आ रही है। जी, चलिए मैम, धन्यवाद। मैम शुरू करें, शुरू करें। जी, शुभ अपराह्न विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबों का पुनः एक बार उड़ीसा राज्य मुक्त विश्वविद्यालय की इस ऑनलाइन कक्षा के श्रृंखला में, जहां आप और हम वापस से पुनः एक बार एक नए विषय के साथ में चर्चा और वार्तालाप करने के लिए यहां मौजूद हो चुके हैं, जिसके लिए आप सबों का, सबसे पहले तो आप सब विद्यार्थियों का धन्यवाद, क्योंकि बिना आपके कोई भी कक्षा पूर्ण नहीं होती है। इसलिए बड़ा धन्यवाद, बड़ा साधुवाद आपको। और आज हम लोग जो मुख्य रूप से चर्चा करेंगे, एमए सेकंड सेमेस्टर के जो पेपर है, मुख्य रूप से निबंध के विषय पर, और उस पेपर को शुरू करेंगे। आज हम लोग आपके जो पाठ्यक्रम में जो पहली निबंध है उस पर चर्चा करेंगे, और उस निबंध का नाम है धोखा, जो प्रताप नारायण मिश्र जी की लिखी हुई निबंध है। तो इस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे, और चर्चा में हमारे साथ पुनः एक बार शामिल है मैम की दूसरी क्लास है, तो डॉक्टर रेणु शर्मा मैम यहाँ पर उपस्थित है। मैम बड़ा लंबा अनुभव रहा है एमए बीए के विद्यार्थियों के साथ जुड़ने का, पढ़ने पढ़ाने का बहुत लंबा अनुभव रहा है। तो मैम से आग्रह करता हूँ, मैम आप अपने व्याख्यान को आरंभ करें, और अंत में विद्यार्थी आपके जो कुछ भी प्रश्न होंगे आप चैट बॉक्स के माध्यम से लिखते रहें, अंत में मैं आपके प्रश्न जो है मैम के समक्ष रखने का प्रयास करूंगा। तो हम लोग अपने विषय पर आते हैं, मैम से मैं अनुरोध करूंगा कि वो अपनी कक्षा को आरंभ करें। धन्यवाद मैम। जी, सबसे पहले मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। नमस्कार, और अभिषेक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर रेणु शर्मा, ठीक है, मैं रीजनल इंस्टीट्यूट में प्राध्यापक हूँ। तो हम आज जो विषय के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं वो है प्रताप नारायण मिश्र के धोखा, जिसके अभिषेक जी ने बताया। अक्सर हमारे जीवन में ऐसा कोई भी नहीं है जिसने जीवन में धोखा नहीं खाया हो। ये शब्द जो है, जहाँ इतना छोटा लग रहा है, इस शब्द के अंदर बहुत ही गहरे अर्थ और बहुत सारी भावनाएं जुड़ी। तो ये शब्द के बारे में थोड़ी सी चर्चा करके फिर हम आगे बढ़ते हैं। कभी कभी क्या होता है, हम धोखा क्यों खाते हैं? धोखा तब मिलता है जब हम किसी के ऊपर विश्वास करते हैं और हम उसको दोषी इसलिए मानने लगते हैं कि उसने हमें धोखा दिया। कोई हमें धोखा नहीं देता, या कोई घटना जो घटती है वो धोखा हमारे साथ जो होता है वो इसलिए होता है क्योंकि उसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम लोग खुद ही होते हैं। तो इस वजह से जो है, हम अक्सर दूसरों को दोष देने के बजाय अगर खुद को ही सही करने की कोशिश करें तो शायद हमें इस चीज का अफसोस कम। लेकिन यहाँ प्रताप नारायण मिश्र जी ने जिस धोखे से, जिस भावनाओं को, जिन स्थितियों को वर्णन करने की कोशिश की है, पहले उस विषय वस्तु को हम समझते हैं और फिर उसके ऊपर हम आगे चर्चा करते हैं। तो प्रताप नारायण मिश्र जी का जन्म जो था वो 1856 में हुआ था। उन्होंने कहीं स्कूल जाकर या कहीं कॉलेज जाकर विद्यालय से अपनी शिक्षा प्राप्त नहीं की। उन्हें जब विद्यालय जाने का समय हुआ तो वो गए भी थे, लेकिन उसके बाद उनका वहां पर मन न लगने के कारण उन्होंने वहां से अपना जो है अपना स्कूल जाना छोड़ दिया। उसके बाद उन्होंने स्वाध्याय किया, खुद के अध्ययन करके, खुद के लगन से, खुद के मन से पढ़कर उन्होंने बहुत सारी भाषाओं के अंदर अपने ज्ञान को प्राप्त किया। जैसे उन्हें हिंदी, उर्दू, फारसी, बांग्ला, संस्कृत, इन सब भाषाओं में बहुत महारत हासिल। इन्हीं सारी स्थितियों के साथ चलते चलते 1894 के अंदर बहुत ही कम आयु में, 38 उनका वर्ष था, 38 वर्ष की आयु के अंदर ही
उन्हें उनका जो है निधन हो जाता है। लेकिन इस कम समय के अंदर प्रताप नारायण मिश्र ने एक ऐसी छाप छोड़ी है हिंदी साहित्य के इतिहास में, चाहे वो निबंध का क्षेत्र हो, काव्य का क्षेत्र हो, चाहे गद्य का क्षेत्र हो, आप हर क्षेत्र में देखेंगे उनकी रचनाएं बहुत ही प्रभावशाली और बहुत ही गंभीर रही। तो उनकी जब भारतेंदु युग के, उनको माना जाता है भारतेंदु युग के वो प्रमुख लेखक रहे हैं। जब भारतेंदु युग की मृत्यु हुई तो उसके पश्चात मिश्र जी ने एक पत्रिका का प्रारंभ किया था, वो था ब्राह्मण, और उस पत्रिका के माध्यम से वो भारतेंदु जी की जो भी इच्छा थी, जो नवजागरण था, जो समाज को आगे बढ़ाने का जो उनकी ललक थी, उन चीजों को आगे बढ़ाने का ना सिर्फ कोशिश की बल्कि उन चीजों को आगे बढ़ाते हुए वो अपने साहित्य के क्षेत्र में भी प्रखर होते गए। मिश्र जी मुख्यतः जो है कविताएं लिखते थे जिनके अंदर उन्होंने भक्ति, श्रृंगार, समाज सुधार, देशभक्ति संबंधित कविताएं प्रमुख रही। इसके अलावा उन्होंने अनेक नाटकों की भी रचनाएं की हैं, अनुवाद कार्य भी किया। निबंध विद्या में अगर हम देखते हैं तो बाल कृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र का नाम हम हमेशा से प्रमुख रूप में देखते पाएंगे। तो अब हम हमारे विषय पे आते हैं कि धोखा निबंध जो है वो किस प्रकार का एक निबंध। धोखा एक मनोभावात्मक ललित निबंध, मनोभावात्मक यानी जो मन की भावनाओं को महसूस करते हुए, मन की भावनाओं को अभिव्यक्त करते हुए और उसको बहुत ही सुंदर तरीके से। ललित निबंध का अर्थ होता है जहाँ भव्यता हो, जहाँ सौंदर्य हो, जहाँ भाव प्रधान अधिक हो, उस तरह की जो है वो निबंध है। तो यहाँ पर आपका देखा जाएगा तो जो ललित निबंध जो होता है यहाँ पर विषय पक्ष या बुद्धि पक्ष के ऊपर कम जोर दिया जाता है और भाव पक्ष के ऊपर अधिक जोर दिया जाता है। इसमें मिश्र जी ने धोखा जैसे सामान्य विषय को भी बहुत ही मनोरंजक और दार्शनिक तरीके से वर्णन करने का कोशिश की है। इस निबंध में लेखक ने यह बताने की चेष्टा की कि इंसान तो जो है कैसे धोखा खाता है और कैसे धोखा खाने के जो है धोखा खाने किस तरह से धोखे से निकलने की कोशिश करते हुए दूसरे को भी जो है वो धोखा देने की कोशिश करता है। जो चोट वो खुद खाता है वो दूसरों को भी वो देने की किस प्रकार से प्रयास करता है, यही यहाँ पर उन्होंने दिखाने की कोशिश की। समाज में धोखा देना अगर बुरा समझा जाता है तो किसी से धोखा खाना मूर्खता। ये जो छोटा सा शब्द है इसका बहुत ही गहरा अर्थ यहाँ पे प्रतीत होता है। अगर हम कभी देखते हैं कि कोई किसी को धोखा दे रहा है तो हमारे मन में धोखा देने वाले के प्रति बहुत ही नकारात्मक विचार आते हैं कि वो कैसा इंसान है जो किसी को धोखा देकर, किसी को चीट कर, किसी के भावनाओं के साथ, किसी के जीवन के साथ, किसी के अपने व्यक्तित्व के साथ जो है किस प्रकार से वो एक आवरण दिखाकर किसी प्रकार का एक जो है धोखा करते हुए उसके जीवन को कहीं ना कहीं चोट पहुंचाने की कोशिश करता है। और वही हम दूसरी तरफ दूसरा पक्ष जब देखते हैं यानी जो धोखा खाता है, हम उसके प्रति जो है संवेदनशील कम होते हैं और हम ये चीज सोचते हैं कि वो इंसान मूर्ख। क्यों? क्योंकि उसने उस पर भरोसा किया, उसने उस पर विश्वास किया और उसी विश्वास के कारण उसको इतनी समझ होनी चाहिए थी कि उसको उस पर किसी भी अनजान इंसान पे या किसी भी जान के इंसान के बिना सोच समझते, बिना जांचे परखे किसी भी बात के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। तो यहाँ जो धोखा देता है वो असंवेदनशील दिखाई देता है और जो धोखा खाता है उसके प्रति सहानुभूति कम और उसको जो है हास्यास्पद अधिक स्थिति पैदा हो जाती है। तो निबंध के जब हम शुरू करते हैं तो पहले में ही जब पहला तर्क रखते हैं मिश्र जी, तो कहते हैं कि निबंध के आरंभ में ही रामायण के एक प्रसंग को लेते हैं, एक घटना को दिखाते हुए बताते हैं जो उन्होंने पहला मुद्दा रखा है। वो कहते हैं कि मरीच राक्षस के द्वारा स्वर्ण मृग बनकर जो है भगवान रामचंद्र को धोखा दे, वो जो घटना हुई थी जहां पर जो है सोने का रूप लेकर मरीच राक्षस जो है भ्रमित करने के लिए, राधा माफ कीजिएगा, राम और सीता को भ्रमित करने के लिए आता है और राम उस सोने के मृग को देखकर किस प्रकार से भ्रमित होकर उसको ले जो है शिकार करने के लिए चल पड़ते। रामायण के अनुसार इस स्वर्ण रूप को प्राप्त करने की सीता की इच्छा को पूरा करने के लिए राम उसके पीछे धनुष लेकर जाते हैं और पीछे से रावण जो है सीता का अपहरण कर लेता है। तो यहाँ पर जो ये स्थिति होती है वो घटना आप सभी को भी मालूम होगी कि यहाँ पर जो है सोने का रूप धर के मरीच राक्षस आता है, राम उसके पीछे चले जाते हैं और पीछे से सीता का अपहरण हो जाता है। तो यहाँ पर जो स्थिति है उसको देखते हुए मिश्र जी कहते हैं राम को हिंदी पुराणों के अंदर हम जो है ईश्वर का अवतार मानते हैं।
ईश्वर नहीं ईश्वर का अवतार मानते हैं। अगर राम ईश्वर के अवतार हैं तो वे सर्वज्ञ हैं। अगर वो भगवान के अंश हैं या भगवान के रूप में उनका जन्म हुआ है तो उनको सब कुछ पता होना चाहिए, उनको सारा सब चीजों की हर बात की ज्ञान उनको है। यानी जो ईश्वर है सृष्टि का नियंता है, सृष्टि को चलाता भी है। अगर वही पहचान नहीं सकता धोखे को तो हम जो है कि जो है सोने के रूप में दिखने वाला जो मृग है वो मृग नहीं है, स्वर्ण मृग नहीं है, मरीच राक्षस है। तो हम तो एक साधारण से मानव, तो हमारा धोखा खाना बहुत ही आसान प्रतीत होता है। तो यहाँ पर वो कहने की कोशिश करते हैं कि जब भगवान ही धोखे से बच नहीं सकते तो साधारण मनुष्य किस प्रकार से बचेगा। इसके साथ ही वे एक और तर्क देते हैं कि जो है निबंध के शुरू करते हैं, तात्पर्य यह है कि भगवान को धोखा खा सकते हैं, लेकिन अगर ईश्वर ईश्वर है, वो यह तर्क भी प्रस्तुत करते हैं कि अगर भगवान भगवान है यानी ईश्वर अगर ईश्वर है तो धोखा नहीं खा सकता, और अगर वो धोखा खा सकता है तो वो ईश्वर ही नहीं है। अर्थात रामचंद्र ने धोखा क्यों खाया? रामचंद्र ने इसलिए धोखा खाया क्योंकि राम के रूप में मनुष्य जो है राम के रूप में मनुष्य के रूप में थे। यहाँ पर वो एक अवतार के रूप में और मनुष्य के रूप में जन्म लेते हैं, और मनुष्य जो है कहीं ना कहीं से धोखा खा ही जाता है। मनुष्य के लिए धोखा खाना या फिर धोखा देना बहुत ही सहज प्रवृत्ति है। यहाँ वे ईश्वर के दो रूपों को एक जो है एक दूसरे से अलग करते हैं, एक तरफ निराकार को और एक तरफ साकार को। जो ईश्वर के साकार और सगुण रूप को मानते हैं, यानी जो भगवान को मानते हैं, उनकी मूर्ति की पूजा करते हैं, उनके सगुण को अस्तित्व को मानते हैं, वे ही अवतार के रूप में भी उनको मानते हैं। तो जिसके मन में ये भावना है कि मैं राम की मूर्ति की पूजा कर रहा हूँ या देवी की मूर्ति की पूजा कर रहा हूँ, जो आकार को मान रहा है वो उस अवतार के यथार्थ को भी स्वीकार करने के लिए राजी है। राम ऐसे ही अवतार हैं, लेकिन मरीच की बौद्धिकता को यहाँ पर यह तर्क संतुष्ट नहीं करता। लेकिन जहाँ दूसरा पक्ष आता है कि अगर राम अवतार हैं या भगवान हैं या किसी भी स्वरूप में हैं, तो यह बात कहीं भी मन से या गले से नहीं उतरती कि वो धोखा नहीं खा सकते। तो इसी बात को वो कहते हैं कि उनका यह तर्क जो है कहीं भी संतुष्ट नहीं कर पाता कि राम जो है धोखा खा सकते हैं। इसीलिए यही इस वाक्य को वो एक दूसरे भाग में यानी अगले आगे बढ़ते हुए वो जो है एक दूसरा तर्क देते हैं और कहते हैं कि मनुष्य में एक रीति से ही नहीं रह पाता है, मनुष्य कभी भी एक ही परिपाटी में नहीं चल सकता, उसके जीवन में बदलाव परिवर्तन और घटनाएं घटना स्वाभाविक है, क्योंकि जीवन जो है कहीं भी रुका हुआ पानी नहीं होता। उसके मुख्य कामों में से एक काम जो मुख्य है मनुष्य का वो है सृष्टि को आगे बढ़ाना। और आगे बढ़ाने के लिए उसको क्या करना पड़ता है? उसको जो है किसी का सहारा लेना पड़ता है, और वो सहारा क्या है? माया है। क्योंकि वो जिस चीज को आगे बढ़ाना चाहता है, जिस परिपाटी में आगे बढ़ना चाहता है, वहां पर एक माया ही है जिसके यानी यानी संसार जो है वो माया है, और उसका आश्रय इसको लेते हुए जो है मनुष्य जो है संसार को आगे बढ़ाने का कोशिश प्रयास करता है। और माया जो क्या है? माया है भ्रम, माया है छल, धोखे के ही पर्याय का रूप। तो हम जो जीवन को जी रहे हैं, जो घटनाएं घट रही है, जो कर रहे हैं, वो एक तरह से धोखा ही है। इस रीति से अगर हम कहें यानी इस तर्क के साथ अगर हम कहें तो हम कह सकते हैं कि ईश्वर भी धोखे से अलग नहीं। जिस प्रकार से संसार को चलाने के लिए इन प्रपंचों को हमें करना पड़ता है और उसको जीना पड़ता है, वैसे ही भगवान भी, यहाँ पर यह कहा गया है कि भगवान भी धोखे से अलग नहीं हो सकता, क्योंकि अगर उसने भी अगर जन्म लिया है, उसने भी अगर अवतार लिया है, तो वो भी इस संसार के माया चक्र में कहीं ना कहीं वो भी इसका जो है भोगी होता है। तो दूसरे तर्क में ये कहते थे ईश्वर साकार हो या निराकार, उसने इस संसार का निर्माण किया है, वो किसी भी रूप में हो लेकिन उसने इस संसार को जो है निर्माण किया है, और संसार का निर्माण करने के जो है अद्वैतवाद के अनुसार वह माया का सहारा लेता है। तो यहाँ पर हम एक जो आता है अद्वैतवाद, जिसको मैं आपको विषय के अंत में बताऊंगी कि अद्वैतवाद क्या था। तो अद्वैतवाद जो है यहाँ पर उसका उसका सहारा वो लेता है। माया का अर्थ होता है भ्रम छल इत्यादि, यानी ईश्वर की बनाई ये दुनिया बिना माया के नहीं रची जा सकती, किसी भी प्रकार से नहीं रची जा सकती। तो यह दुनिया इसके द्वारा उत्पन्न एक छल या फिर दूसरे शब्दों में धोखा ही कहने का तात्पर्य है। छल का रूप कह सकते हैं,
उसको हम धोखे का रूप कह सकते हैं, उसको हम माया का भी रूप कह सकते हैं, जीवन जो संसार जो है वो वही स्वरूप। तो कहने का तात्पर्य हम यहाँ पर यह है, या इस चीज को व्याख्या करने के पीछे उद्देश्य यह है कि ईश्वर के द्वारा खाया गया धोखा भ्रम है, तो भी जो है निराकार के रूप में वह धोखा का ही सहारा लेता है, जहाँ वो निराकार है यानी उसका आकार नहीं है, और हम यहाँ पर उसको मानते हैं कि अगर ईश्वर है और निराकार के रूप में है, तो वो कहीं ना कहीं अपने कर्म को करने के लिए कहीं ना कहीं धोखे का सहारा लेता है। स्वयं उसके शब्दों में ऐसी दशा में यही धोखा खाता नहीं, धोखे से काम अवश्य लेता है, या तो वो धोखा खाएगा, अगर वो धोखा नहीं खाएगा तो वो धोखे से काम भी लेगा नहीं, लेकिन अपने कर्म को वो कहीं भी किसी भी रूप में उसको अंजाम तक पहुंचाए। तो हम एक तरह से कह सकते हैं कि माया का प्रपंच फैलता है, और यहाँ पर समझने की बात यह है कि प्रसंग जो है एकदम सहज है, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। राम का स्वरूप जो है निराकार था या फिर साकार था, वो अवतार थे, हम उसको किसी रूप में भी ग्रहण करते हैं, लेकिन जब वो कर्म के क्षेत्र में आते हैं, संसार के क्षेत्र में आते हैं, और संसार के कर्म को संसार रूपी चक्र को आगे बढ़ाने की जो कोशिश करते हैं, उस स्थिति में वो जो है धोखे का शिकार भी हो सकते हैं और वो धोखा भी कर सकते हैं, तो वो अलग यहाँ पर नहीं। इसी बात के ऊपर जी चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि ईश्वर को शुद्ध जो है निर्भ्रम कैसे कहा जा सकता है, हम कैसे कह सकते हैं, यह तर्क भी दे सकते हैं कि वह कोई ऐसे निर्भ्रम कैसे, जबकि उसके अस्तित्व तक में नास्तिकों को संदेह है। हम इस बात को पूर्णतः ना तो स्वीकार कर सकते हैं और ना ही पूर्ण रूप से काट सकते हैं, क्योंकि उसके अस्तित्व में जो है नास्तिकों को संदेह है, नास्तिक जो कि ईश्वर को नहीं मानता। तो जो ईश्वर को नहीं मानता, उसका तर्क यह होता है कि जिसका आकार नहीं, स्वकार नहीं, जिसकी कोई परिभाषा नहीं, जो दिखता नहीं, जो महसूस होता नहीं, मैं उसे कहाँ से और क्यों मानू, वो वही मानना चाहता है। और दूसरी तरह जो स्थिति है आस्तिकों की, वो भी इस तर्क का, नास्तिकों के इस तर्क का कि वो भगवान दिखता है कि नहीं दिखता है, उस तर्क का भी उसके पास कोई जो है निश्चित प्रमाण या ज्ञान नहीं है कि जिसके जरिए वो इस बात को जो है प्रमाणित कर सके। तो ऐसी स्थिति में इस प्रकार जो है मिश्र जी इस सारी स्थिति को देखते हुए, आस्तिक और नास्तिक चेतनाओं को देखते हुए नतीजे पर पहुंचते हैं कि जो दुनिया को बनाने के बारे में इतना धोखा फैला हुआ है, तो संसार में धोखे का जो है अभाव कैसे होगा, उसको बनाना उसको चलाना धोखे का ही एक स्वरूप हो जाता है। तो स्पष्ट होता है कि स्वयं मिश्र जी पूरी तरह से ईश्वर संबंधी विश्वास को नहीं छोड़ पाए हैं, ना वो नास्तिक हो पा रहे हैं और ना वो पूरी तरह से आस्तिक हो पा रहे हैं, लेकिन उनके मन में जो संदेह का बीज था कि भगवान धोखा खाए हैं या नहीं खाए हैं, या उन्हें वो सर्वज्ञ हैं तो उन्हें धोखा कैसे मिल सकता है, इस प्रश्न में वो खुद भी कहीं ना कहीं उलझे हुए थे। तो इसी को उन्होंने जो है इस विषय के साथ जोड़ के अपने अपनी मनोदशा को कहीं ना कहीं व्यक्त करने का एक प्रयास किया। इसी चीज की चर्चा के ऊपर वो आगे बढ़ते हुए एक दूसरा तर्क सामने लेके आते, जहां जगत को मिथ्या माना जाता है, जिसे हम अभी चर्चा किए हैं, जगत को मिथ्या किया गया है। इस निबंध में दूसरा सवाल जो उठता है, क्या जगत भ्रम है या धोखे से मुक्त है, प्रश्न ये उठता है कि क्या संसार जो है वो पूर्ण रूप से धोखे से मुक्त है, क्या उसका धोखे से मुक्त होना गलत है, और क्या जगत में कोई चीज धोखे से रहित हो सकती है क्या। यहाँ पर अद्वैतवादी मानते हैं कि संसार मिथ्या भ्रम के सिवा कुछ नहीं। अद्वैतवादी जो हैं, उन्होंने अपने हिसाब से इस चीज को माना है कि संसार में जो है मिथ्या भ्रम के सिवा कुछ भी नहीं, यानी ये जो संसार है ये सिर्फ भ्रम पैदा करता है, मनुष्य को माया जाल में गठित करके रखता है, लेकिन इसके अलावा इसका कोई भी चीज नहीं। मिश्र जी इस बात से सहमति जताते हैं, यानी वो अद्वैतवाद की इस बात को मानते हैं कि भ्रमोत्पादक भ्रम स्वरूप भगवान के बनाए हुए भव संसार में जो कुछ भी है, यानी ये संसार में जो कुछ भी है वो सब एक भ्रम है। यहाँ पर अद्वैतवादी धारणा का समर्थन करते हुए भी वो उसका कहीं ना कहीं विरोध करते हैं, इस बात को पूर्ण रूप से स्वीकार भी नहीं करते हैं और तर्क देते हैं, जैसे अद्वैतवाद संसार को माया मानता है लेकिन भगवान को नहीं, तो संसार को माया मानता है लेकिन जो भगवान दिखाई नहीं देता उसको वो माया नहीं मानता, उसको वो भ्रम नहीं मानता, उसको वो यथार्थ मानता है। तो मिश्र जी इसी तर्क को उल्टा कर कह देते हैं, वे संसार को मिथ्या या भ्रम मानते हैं
इसीलिए क्योंकि उसको बनाने वाला ईश्वर भी मिथ्या भ्रम है, जो दिखाई नहीं देता, जिसका आकार नहीं, उसको अगर वो अगर भ्रम है, वो भ्रम है, तो उसका बनाया हुआ ये संसार भी एक तरह से एक भ्रम के रूप में ही वो उसको ग्रहण करते हैं। और इस प्रकार से वो इस तर्क को देते हुए अद्वैतवाद के सिद्धांत का जो खोखलापन जो है दिखा देते हैं, क्योंकि अद्वैतवाद एक तरफ तय करता है कि संसार भ्रम है, लेकिन जो दिखाई नहीं देता उस ईश्वर में वो विश्वास करता है। तो इसीलिए वो कहते हैं कि यहाँ पर जो है हम अगर संसार भ्रम है तो ईश्वर भी भ्रम है, इस तर्क को वो स्थापित करते हैं। अद्वैतवाद में ब्रह्म और जगत के बीच माया का पर्दा है। जो अद्वैतवाद है वहां पर भ्रम ब्रह्म यानी ईश्वर और जगत यानी संसार के बीच में एक माया है जो हमें भ्रमित करती रहती है, और उसका एक पर्दा है। माया ब्रह्म के स्वरूप को छुपाती है। माया हमें लोभ देकर, लालच देकर, माया क्या है, जो हमारे सामने हमारे मुख्य लक्ष्य की तरफ बढ़ते हुए जब हम कहीं आगे बढ़ते हैं या कुछ करना चाहते हैं या किसी चीज में उलझते हैं, हमें जो चीजें भ्रमित करती हैं यानी लोभित करती हैं, प्रदर्श करती है। समझ लीजिए, इसका एक एग्जाम्पल के लिए मैं बताती हूँ कि कोई बच्चा अगर परीक्षा की तैयारी कर रहा और उसमें उसको उसका लक्ष्य होता है कि वो किसी प्रकार से अपने पेपर को बहुत अच्छे से प्रस्तुत करे, लेकिन वहां पर उसके सामने कभी कोई टीचर का आना, कहीं कोई मोबाइल में बहुत अच्छी चीजों को देखना, गाने सुनना, घूमने जाना, ये चीजें जब उसके मन में आती है, वो अपने पढ़ाई से कहीं ना कहीं से जो है भ्रमित होता है, उसको छोड़ के और इन चीजों में जब उसका मन लगने लगता है, तो ये होती है माया जो उसे उसके पथभ्रष्ट और लक्ष्य से भ्रमित करने का प्रयास करती है। तो यही स्थिति यहाँ पर कहते हैं कि ब्रह्म और जगत के बीच में जो माया है वो माया उसको भ्रमित करती है। माया ब्रह्म के स्वरूप को छुपाती है, ठीक है, माया किसी न किसी रूप से उसके मुख्य लक्ष्य को जो है कहीं ना कहीं से वो भ्रमित करती है या छुपाती है। लेकिन मिश्र जी के अनुसार ये माया ही है, ये लेकिन मुख्य रूप से माया ही है जिसने ब्रह्मा जगत दोनों के अस्तित्व को बना के रखा। संसार को चलाने के लिए इन चीजों में भ्रमित होना भी एक जरूरी है, क्योंकि जब तक इंसान पूर्ण रूप से एकदम से सात्विक हो जाएगा या पूरे ब्रह्म में लीन हो जाएगा तो संसार चक्र कैसा होगा इसकी कल्पना करना मुश्किल है। तो ऐसे स्थिति में जो संसार को आगे बढ़ाने के लिए और संसार में अच्छे और बुरे दोनों स्थितियों को बैलेंस करने के लिए जो स्थितियां पैदा होती है वो माया के माध्यम से ही हो सकती है। तो संसार को चलाने के लिए माया बहुत जरूरी है। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि दोनों का, या तरफ ब्रह्म का और दूसरी तरफ माया का, दोनों में से हम किसी के भी अस्तित्व को नकार नहीं सकते। तो दोनों का अस्तित्व बहुत महत्वपूर्ण है। और उन्हीं के शब्दों में वो कहते हैं, जब तक भ्रम है, जब तक हम भ्रमित हैं, जब तक भ्रम है तब तक संसार है, और संसार का स्वामी भी तभी तक। जब ये भ्रम मिट जाएगा तो कुछ रहेगा ही नहीं, हमारे अंदर कोई भावना ही नहीं रहेगी, तो हम किसी को मानेंगे ही नहीं। ऐसी स्थिति में जब तक भ्रम है तब तक संसार है, और जब तक संसार है संसार का स्वामी भी तभी तक। अगर हमारे अंदर से भ्रम मिटा तो संसार के प्रति मोह छूटा, मोह छूटा तो हमारा किसी स्वामी के प्रति भी यानी ईश्वर के प्रति भी कोई भावना नहीं रहेगी। मिश्र जी के अनुसार जो लोग पूरे ब्रह्म ज्ञानी बनकर संसार को सचमुच माया की कल्पना बना बैठते हैं, वे अपनी प्रभात जो है भावात्मक बुद्धि को चाहे अपने जीवन जो है तुच्छ जीवन के साक्षात सर्वोपरि मन में सर्वदा सुखी हो जाने का धोखा खाया करता। वो कहते हैं कि जो अपने आप को बहुत ज्ञानी मान लेता है, ब्रह्म ज्ञान यानी बहुत सारे उपनिषद वेद सब ये पढ़ के वो कहता है कि ब्रह्म का ज्ञान यानी ब्रह्म यानी ईश्वर को मैं जान गया, ईश्वर को कोई नहीं जान सकता। लेकिन यहाँ पे जब जो अपने आप को कहता है कि मैं ब्रह्म का ज्ञानी हूँ, ब्रह्म मुझे पता है यानी ईश्वर मुझे पता है कि कौन है, कहाँ है, कैसा है, तो जो ब्रह्म ज्ञानी बन करता है, इसका एक स्वरूप ये भी हो सकता है कि कोई इसी के कहने का है कि मुझे सर्व ज्ञान, ब्रह्म यानी जिसको सर्व ज्ञान है, ब्रह्म यानी जिसे जिसे सृष्टि की रचना की है, जो सब सबका ज्ञाता है, जो कहता है कि मैंने उसको जान लिया। तो उस तरह के लोग जो होते हैं ब्रह्म ज्ञानी बनकर संसार को सचमुच माया की कल्पना बनाते हैं। वही लोग संसार में इस प्रकार की काल्पनिक बातों को करकर, माया की बातों को करकर संसार को कल्पनाओं में भर देते हैं, और अपनी प्रभात्मक बुद्धि से चाहे अपने तुच्छ जीवन को साक्षात सर्वेश्वर को मानकर बहुत खुश होने लगते हैं कि हमें सब तरह का ज्ञान होने लगा। और ये सब जो है इसी तरह से वो अपने आप को भी भ्रमित करते हैं, संसार को भ्रमित करते करते स्वयं को ही वहीं पर वो धोखा देता हुआ पाते हैं। कहने का अर्थ है कि संसार सत्य ही है या असत्य, बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज है कि संसार सत्य हो या फिर असत्य हो, उसका जो भी स्वरूप हो, लेकिन मनुष्य के लिए सत्य स्वीकार करने में ही भलाई।
आप ये चीज के ऊपर जरूर ध्यान दीजिएगा आपके इस विषय के अंदर, कि यहाँ पर वो कहते हैं, लेखक कहते हैं कि चाहे भ्रम का कोई भी स्वरूप हो, किसी भी रूप में वो सामने आए, लेकिन इस कहानी, इस निबंध का उद्देश्य यहाँ पर ही आता है कि चाहे स्थितियां और संसार कैसा भी रहे, लेकिन हमें सत्य को स्वीकार करने में ही भलाई है, कि जो सत्य को स्वीकार करता है वो आगे तक अपने जीवन को निर्वाह कर, संसार को धोखा समझकर उसके व्यापार से अलग करके भले ही हम कितने बड़े ज्ञानी क्यों न बनाए। यानी जो ब्रह्म ज्ञानी है वो कहते हैं कि संसार माया है, प्रपंच है, छल है, और वो अपने कर्म से विरत होते हैं। वो उन्हें अपने कर्मों को सही रूप देने का, आकार देने का जो समय आता है, तो वो इस प्रकार की बातें करके अपने संसारिक कर्म के क्षेत्र को जो है वो पीछे कर देते हैं और भ्रमित होकर वो आगे बढ़ जाते हैं। तो ऐसे स्थिति में वो जो उस भ्रम के चक्कर में जब रहते हैं तो सत्य से बहुत दूर चले जाते हैं और असत्य के जिस रास्ते में जाते हैं। सिर्फ इसी वजह से यहाँ पे कहते हैं कि जो बड़े ज्ञानी क्यों न कहलाएं, सच्चाई सिर्फ इतनी है कि हर संसार के लिए व्यर्थ हो जाते हैं। और ऐसा मनुष्य जो अपने कर्म से विरत हो, चाहे वो कितना भी बड़े ज्ञानी क्यों न हो जाए, उसका संसार में कोई भी महत्व नहीं रहता, क्योंकि संसार कर्म को मानता है, कर्म से चलता है, और कर्म ही उसका सबसे मुख्य जो है आधार माना जाता है। तो चाहे यहाँ पर सत्य को स्वीकार करने का अर्थ है कि चाहे परिस्थिति कैसी भी, हम ईश्वर को माने ईश्वर को ना माने, लेकिन जिस कर्म के लिए यानी काम को करते हुए संसार चक्र को आगे बढ़ाने के लिए हमारा जो भी योगदान जिस रूप में भी है, उसको हमें निस्वार्थ और बिना किसी आडंबर के, बिना किसी जो है माया के, उसको पूरा करना ही हमारा मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। इसके ये बात आपको आगे जो चर्चा में आएगी उस मुद्दे में पूरी तरह से साफ हो जाएगा। यह संसार के सभी पदार्थ, मानव देह, उनसे जुड़े क्रियाकलाप तथा भावना से ही हमारे जीवन को अध्ययन है। तो ये जो चीजें हैं, जो स्थितियां हैं, जो सारा शरीर, चाहे वो हमारा मानव देह है, और उस शरीर के माध्यम से हम जो भी क्रियाकलाप करते हैं तथा जो भी भावनाओं को हम अपने अंदर महसूस करते हैं या जीते हैं, उसी से हमें हमारे जीवन का सच्चा अर्थ मिल पाता है। लेखक ने एक और प्रश्न उठाया कि जीवन और जगत से इतर भी कुछ है या नहीं। यानी वो एक सवाल ये भी आता है कि जीवन जो है उससे और संसार से अलग हटकर कुछ इसलिए संसार में कुछ है या फिर नहीं है। इस संबंध में मिश्र जी नास्तिक विचार को प्रस्तुत करते हैं और कहते हैं कि जीवन जब तक है तभी तक जो है मुख से शब्द, मन से भाव तथा इंद्रियों से कर्म का प्राकट्य होता रहता है। तो इस चीज के तर्क में वो कहते हैं कि जब तक हमारे मुख के अंदर से शब्द निकलते हैं, यानी जब तक हम अपनी अभिव्यक्ति दे सकते हैं, मन के अंदर भाव आते हैं यानी जब तक हम महसूस कर सकते हैं, और इंद्रियों से कर्म का प्राकट्य होता है, हमारी इंद्रियां हमें कर्मठ बनाए रखती हैं तब तक, ठीक है, जहां तक इसके कर्म का प्रति व्यतिक्रम प्रकट हो, जब तक ये चीज चलती रहती है तब तक संसार है। और जब इन चीजों के अंदर यानी हमारे बोलने, महसूस करने या कर्म में कहीं भी व्यतिक्रम प्रकट होता है या रुकावट पैदा होती है, तो समझ लीजिए वहीं पर सारा खेल खत्म होने लगता है। ठीक है, जिस पर कुछ नहीं है, जीवन वैसा कोई नहीं है, ना आत्मा है, ना नर्क है, ना स्वर्ग। और इसके बाद यानी जब इंसान अपना कर्म करना छोड़ देता है, महसूस करना यानी कि मृत्यु को प्राप्त कर लेता है, तो वहां पर उसके लिए कोई भी चीज नहीं होती, संसार है और माया है और इससे ज्यादा यहाँ पर और कुछ नहीं। तो नास्तिक रूप में वो उस रूप में इसको दर्शाते हुए इस बात को साफ करते हैं कि इंसान के लिए उसका कर्म कितना महत्वपूर्ण है। जब तक कर्मठ रहेंगे तब तक हम किसी चीज को पाते रहेंगे, करते रहेंगे, जीते रहेंगे, महसूस करते रहेंगे, और जैसे ही ये चीजें बंद हो जाती हैं तो समझ लीजिए हमारा खेल वहीं पर खत्म हो जाता है। अंत में लेखक इस सारी घटनाओं से प्रेरित होकर कहते हैं कि धोखा खाना या देना दोनों ही को बुरा माना जाता है। अगर हम किसी से धोखा खाते हैं तो भी बुरा है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं कमजोर हैं या हम कहीं ना कहीं खुद की कमजोरी का अभिव्यक्त करते हैं दूसरों के ऊपर भरोसा करते हैं, और हम किसी को धोखा देते हैं तो ये उससे भी बड़ा जो है पाप होता है कि हम जानते हुए भी किसी की भावनाओं के साथ खेल रहे हैं और उसकी भावनाओं को, उसके इनोसेंस को या उसके अननोन चीज को हम कहीं ना कहीं उसका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। तो संसार में धोखा देना और धोखा खाना दोनों ही रूप को गलत माना जाता है। इसीलिए जो धोखा देता है उसको सजग करने के लिए कहा जाता है कि आप किसी को धोखा ना दें,
और जब कोई धोखा खाता है तो कहते हैं कि आपको सजग रहना चाहिए, संभल कर रहना चाहिए, और उस हिसाब से आप कभी भी लोगों के प्रति या किसी भी स्थिति के प्रति अपने आप को जागरूक रखना चाहिए। लेकिन जैसे कोई काम या वस्तु वास्तव में अच्छी या बुरी नहीं होती, कोई चीज रखी हुई है, समझ लीजिए कि पानी की एक बोतल रखी हुई है, लेकिन वो पानी की बोतल अच्छी है या बुरी है इसके ऊपर तर्क नहीं हो सकता, क्योंकि उसके अंदर का पानी कैसा है ये नहीं पता कि वो पानी अच्छा है या बुरा है। उस पानी का उपयोग हम किस रूप में करते हैं, पीने के रूप में करते हैं या किसी चीज में जमीन पे गिरा के किसी को गिराने के रूप में करते हैं, ये इस बात के ऊपर निर्भर करता है। इसलिए कोई भी कर्म जो होता है वो वास्तविक स्थिति के ऊपर निर्भर करता है, वो कोई भी कर्म बुरा नहीं होता, वो किस देश से किस स्थिति में किया गया है इसके ऊपर उसका अच्छा या बुरा प्रभाव का जो है दिखाई पड़ता है। उसके व्यवहार का नियम स्थिति को दर्शाता है, जिस प्रकार से हम व्यवहार करेंगे उस वही नियम हमको उस स्थिति को दर्शाएगा, और उसी तरह धोखा देना या खाना अच्छा भी हो सकता है बुरा भी हो सकता है। इसलिए कहा गया कि अगर हम धोखा खाते हैं, कभी ना कभी जीवन में धोखा होता है, तो जब हम धोखा खाते हैं और धोखा खाने के बाद जब हम समझ जाते हैं, तो अगर हम समझ जाते हैं तो उससे हमें क्या फायदा होता है कि हम अगली बार से कभी भी इस प्रकार की भूल ना करते हुए अपनी गलतियों को सुधारते हुए आगे बढ़े। मनुष्य जीवन गलती का ही एक दूसरा पर्याय है, तो जो इंसान एक बार जो है धोखा खाता है और समझ जाता है तो वो बुरा नहीं, तो वो धोखा जो है उस इंसान के लिए बुरा नहीं, उस इंसान के लिए एक सबक है जो उसके आने वाले कल के लिए उसको मददगार साबित। वे व्यंग में यह भी कहते हैं कि धोखा देना तब तक ठीक है जब तक कि धोखा पकड़ा न जाए, और मिश्र जी ये बात भी कहते हैं कि धोखा देना तब तक सही माना जाएगा जब तक कि उसको पकड़ा न जाए, लेकिन जैसे कि बेईमानी और नीति कुशलता में फर्क है उसी चीज को दर्शाते हैं कि बेईमानी किस प्रकार से होती है और नीति कुशलता किस प्रकार से होती है। जाहिर है कि बेईमानी जो है जो जाहिर हो जाती है, अगर हम किसी के साथ गलत कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, अगर वो चीज कहीं से पकड़ी जाए और उसका झूठ सामने आ जाता है तो यहाँ पर ये बात पता चलती है कि सामने वाले ने बेईमानी, लेकिन ये बात जब तक तो पता नहीं चलती तो हम ये कहते हैं कितना सातिर, कितना समझदार, कितना बुद्धिमान है जो इतनी चालाकी के साथ अपने काम को वो अंजाम दे पा रहा है। जब तक उसकी चोरी या उसका बुराई या उसका धोखा देना पकड़ा नहीं जाता है वो इंसान बुद्धिमान ही कहलाने लगता है। इस कथन का अर्थ यह बिल्कुल भी नहीं है कि नीति कुशलता के आवरण में छुपी हुई बेईमानी को अच्छा माना, बहुत अच्छे तरीके से धोखा देने को कोई अच्छा नहीं मानता है। इस बात का यहाँ पर वो खंडन भी करते हैं और वे इसकी आलोचना भी करते हैं, और निबंध के अंत में वे उन लोगों को सावधान करते हैं जिन्होंने अपनी भाषा, भोजन, वेशभूषा, भाव और भाईचारे को छोड़ दिया तथा इनकी कोशिश है कि दूसरे लोग भी इन्हें छोड़ दें। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि जो लोग अपनी भाषा के प्रति न्यायचित नहीं है, भोजन में अपने आप को परिवर्तन करते हैं, वेशभूषा में दूसरों को देख के परिवर्तन करते हैं, अपने भाव को समय समय में अपनी सुविधा के अनुकूल बदलते रहते हैं, भाईचारे को छोड़ देते हैं यानी एक दूसरे की मदद करना छोड़ देते हैं और चाहते हैं कि दूसरे भी उनके जैसा हो जाएं, तो यह चीज जो है वो कहते हैं कि बिल्कुल गलत है। यहाँ पर ये बात कहने आते आते यहाँ तक जब वो आते हैं तो इसको कहने के पीछे उनका उद्देश्य ये होता है कि इसमें जो छिपी हुई जो है बात जो थी वो ये थी कि वो अपने देशभक्ति के प्रति इसको कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि देश में जो स्थितियां पैदा हो रही थी उन स्थितियों के अंतर्गत वो लोगों को इसीलिए जागरूक करते हैं कि अपनी भाषा का सम्मान कीजिए, अपने भोजन का सम्मान कीजिए, अंग्रेजों को या किसी को देखकर अपनी वेशभूषा को मत बदलिए, अपने देश के प्रति अपनी भावनाओं को मत बदलिए, और ना ही एक दूसरे को मदद करने का भाईचारा जो हमारी संस्कृति हमारी रही है उसके प्रति भी आप प्रहार मत कीजिए, क्योंकि ये सब चीजें हमारे देश की एकता को खंडित करती है। तो उस देश की एकता को बचाए रखने के लिए, उस देश की संस्कृति को बचाए रखने के लिए इस स्वरूप में वो कहीं ना कहीं देशभक्ति की भावना में इस बात को कहते हैं। वो कहते हैं कि उनका मानना है पुरुष और पदार्थ अपने न हो वे देखने में चाहे सुशील हो और सुंदर हो पर विश्वास के पात्र नहीं। वो कहते हैं कि जो पुरुष और जो पदार्थ यानी जो हमारा नहीं है, जो हमारा नहीं हो सकता, वो कितना भी सुंदर हो, कितना भी प्रभावशाली हो,
और कितना भी सुंदर हो, कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन अगर वो हमारा नहीं है तो वो जो है उसके प्रति हमें कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। वो यहाँ पर जो है देश के उन लोगों की तरफ इशारा करते हैं जो देश के जड़ों को कमजोर कर रहे हैं, दूसरों के साथ यानी बाहर से आए विदेशियों के साथ मिलके उनके रहन सहन और देश दिखा कर उनकी संस्कृति को अपनाते हुए, उनके प्रभाव को देखते हुए अपनी संस्कृति को पिछड़ रहे थे, उन लोगों को भी इस बात का एहसास कराने की कोशिश करते हैं। उनसे धोखा हो जाना असंभव नहीं है। अगर हम आज भ्रमित हो जाएंगे उनकी उन सारी स्थितियों को देखते हुए या चीजों को देखते हुए, तो कहीं ना कहीं हम खुद की ही गलती कर रहे हैं। वो इसी बात के लिए वो कहते हैं कि अगर हम पदार्थ या किसी चीज को देखकर भ्रमित होते हैं और यथार्थ से परे होते हैं तो हम अपना खुद का ही नुकसान करते हैं। यहाँ पर इन सारी स्थितियों में वो सबसे बड़ी बात आगे जाके जो कहते हैं कि यह जो स्थितियां पैदा होती हैं भ्रमित करती हैं, यही बाद में धोखे का कारण बनती हैं। जब इंसान धोखा खाता है तो बहुत कुछ हो चुका होता है। उनसे धोखा हो जाना बिल्कुल भी असंभव नहीं है। और हिंदुओं को मुख्य रूप से वो हिंदुओं को यहाँ पर संबोधित करते हुए कहते हैं कि इतना स्मरण रखिएगा, इतना स्मरण रखिएगा कि धोखे से उत्पन्न होने वाली विपत्तियों से बचे रहिएगा। आप जिन चीजों को अपनी संस्कृति को छोड़कर दूसरी संस्कृति को जो अपनाने जा रहे हैं और उससे होने वाली जो विपत्तियां आएंगी वो बहुत कठिन होंगी, तो इसलिए वो कहते हैं कि उन विपत्तियों से बच के रहने की कोशिश कीजिए, यानी भ्रमित होने या धोखा खाने से बचने का प्रयास कीजिए। नहीं तो हमें क्या, अपनी कुमति का फल अपने ही आंसुओं से। आप जैसा करेंगे आपकी कुमति, आपकी बुराई, आपकी कमजोरी ही आपको आपका फल देगी। और अपने ही आंसुओं से धो और खा, धो और खा, यानी कि यहाँ पर आप अपने ही कर्मों के माध्यम से अपनी ही कमजोरी के कारण जो फल आप पाएंगे वो होगा, आपको ही उसको अपने आंसुओं से धोना होगा और उसी को ही आपको स्वीकार खाना होगा यानी स्वीकार करना होगा, और वो क्या कहलाएगा, धोखा कहलाएगा। तो पूर्ण रूप से आप समझ में आपको आएगा कि धोखा कहने के पीछे उनका मुख्य उद्देश्य क्या रहा। क्योंकि जो हिंदू हिंदू होकर ब्रह्म वाक्य नहीं मानता वह धोखे जरूर खाता है, ठीक है। तो वो यहाँ पे कहते हैं कि जो हिंदू है और ब्रह्म वाक्य यानी यथार्थ को, ब्रह्म का वाक्य यहाँ पर भगवान को या ईश्वर को मान लेना ही सब कुछ नहीं है, यहाँ पर ब्रह्म वाक्य का अर्थ है जो कर्म के प्रति सजग रहने वाली जो विचारधारा है उसके प्रति जो है, जो उसको ना माने, जो हमारे धर्म शास्त्र में कर्म को प्रमुख कहा गया है, उस धर्म शास्त्र को, उस ब्रह्म ज्ञान को जो न मानेगा वो धोखा निश्चित रूप से खाएगा और उसको कष्ट का अनुभव जरूर। तो यहाँ पर आपको कोई स्थिति सामने आती है। अंत में हम कुछ चर्चा जो निबंध के मुख्य रूप से है वो ये करेंगे कि धोखा निबंध की सारी चर्चा अंत में आकर देशवासियों को अपने कर्तव्य की भावना के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से बनाई गई। तो अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ जब हमने शुरुआत की रामायण से, रामायण के प्रसंग से जो धोखा खाने की और धार्मिक स्थिति में राम के और अद्वैतवाद की स्थिति का जो चर्चा हुआ उसमें हम देखते हैं कि धोखा क्या था, लेकिन आते आते उसके कहने के उस गहराई में जब हम आते हैं तब हम जान पाते हैं कि वो कर्म को और अपने कर्तव्यों को किस लिए सजग करने की कोशिश करते हैं, किस वजह से वो कहने की कोशिश कर रहे हैं, देशवासियों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो समय पर नहीं संभलेंगे तो धोखा जैसी स्थिति पैदा होगी और जो सबसे सारे देश के लिए और खुद के लिए सबसे बड़ी नुकसानदायक चीज हो। तो यहाँ पर हम अंत में आते थे वही चीज देखते हैं कि लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से इसकी रचना की गई। इस निबंध में हमें एक नए ढंग से सोचने की प्रेरणा देता है। तो अभी जब हम निबंध को नहीं समझे थे अलग बात, लेकिन जब हम निबंध को पढ़ते हैं उसकी गहराई को समझते हैं तब हमारी सोच में भी धोखे को लेकर एक अलग ही तस्वीर बन जाती है। इससे पहले हम कोई तो हमको चोट पहुंचाता था, दुख पहुंचाता था तो हम धोखा है, ये है, वो है, सोच के रह जाते थे। लेकिन अब आप लोग अगर इस निबंध की गहराई को समझ पाएंगे तो निश्चित तौर से इस धोखे शब्द को और इस भावना को और इस घटना को यानी धोखा जैसी जो घटना घटती है जीवन में उसको एक नए रूप में देखने का प्रयास जरूर करें। देखा जाए तो हमारा जो शरीर है वो मल मूत्र हाड़ मांस खून हड्डियों से बना हुआ है, अंदर से यही सब कुछ, ठीक है। लेकिन ऊपर से जो चमड़ी से सजाया हुआ इतना सुंदर प्रतीत होता है, हम सिर्फ उसको आनंद का पात्र समझते हैं, हम सामने देखते हैं, हम उसके अंदर की स्थिति को नहीं देखते, जो हमारी सबसे बड़ी भूल होती है।
हम शरीर के बाह्य रूप को देख के उसमें हम खो जाते हैं, जबकि अगर हमारे अगर इसी स्थिति में अगर हमारे शरीर में चोट लग जाए, एक्सीडेंट हो जाए, खून निकलने लगे, तो उसी सुंदरता से लोग कतराने लगते हैं, उस इंसान से लोग कतराने लगते हैं। तो स्वाभाविक सी चीज है कि हम बाह्य चीज के प्रति आसक्त हो रहे हैं। यहाँ पर इस चीज का भी जो है संकेत जो है लेखक इस रूप में करने की कोशिश करते हैं कि हम बाह्य दिखावे में ज्यादा विश्वास करने लगे हैं और अंदर उन स्थितियों को नहीं पहचान पा रहे हैं। तो हमें हमारे अंदर की संस्कृति को जीवित रखने की कोशिश करनी चाहिए। इस खोखलेपन को भी जो है वो यहाँ पर दिखाने की कोशिश करते हैं कि लोग सिर्फ बाह्य सौंदर्य को देख रहे हैं और अंदर की चीजों को, यानी जो कर्म कर रहा है जिसके माध्यम से ये सुंदरता बनी हुई है, उसके कर्म के प्रति वो सजग नहीं हो पा रहा। ऐसी विचारधारा ऐसी अकर्मण्यता को जन्म देती है जो जो है समाज के लिए हितकारी नहीं। जो बाह्य सौंदर्य को देखकर अंदरूनी स्थितियों को कभी भी नहीं समझता, वही समाज के लिए सबसे बड़ा अहित करता है। और अगर समाज का अहित हुआ तो समझ लीजिए देश हमारा पीछे जा रहा है, देश में हमारी उन्नति नहीं हो रही, हम उन्नति कर ही नहीं पाएंगे, है ना। तो निबंध के प्रतिपाद्य का उद्देश्य है कि देश का हित हो और देश की उन्नति हो, और वो चाहे किसी भी रूप, चाहे किसी भी रूप में, कहा था कि ये नहीं है कि कुछ भी, बल्कि कर्म के माध्यम से, सही कर्म के माध्यम से उसको आगे बढ़ाया जाए। ईश्वर संबंधी दृष्टिकोण भी इसी संदर्भ में देखा जा सकता है, जैसे कि हमने पहले चर्चा की थी, अगर संसार धोखा है तो धोखे से बाहर कुछ नहीं, स्वयं ईश्वर भी नहीं है। ठीक है, दुनिया को धोखा मानकर इससे मुंह मोड़ने के बजाय इससे जुड़ना ज्यादा जरूरी। हम धोखा है कहते हम इससे पल्ला झाड़ ले और एकांत होकर बैठ जाए, निकर्मण होकर बैठ जाए, वो इसका समाधान बिल्कुल भी नहीं है। दुनिया को सत्य समझना और उसके व्यापार में दिलचस्पी लेने वाला व्यक्ति ही अपने देश और समाज के हित के लिए सोच सकता है और कुछ कर सकता है। जो इन घटनाओं को देखेगा, समझेगा और इसको बदलने की और अपने हक में जितना हो सकता है वो करने की कोशिश करेगा, वही इस स्थिति को बदलने का प्रयास कर सकता है। इस प्रकार धोखे में पड़े लोगों को सजग करना ही इस विषय का मुख्य उद्देश्य है। यानी जो भ्रमित है, जो माया में उलझे हुए हैं, जो धोखे में हैं और जो कुछ करना नहीं चाहते किसी ना किसी बहाने, उनको सजग करने की कोशिश की गई है। तो ये पूरा उद्देश्य आपके सामने स्थिति आती है कि क्यों है और किस प्रकार से मनुष्य अकर्मण्य की तरफ जाता है, तो उसको किस प्रकार से कर्मठ बनाना है, किस प्रकार से सजग करना है, और कैसे उसको हमारे देश के प्रति जागरूक करना है। तो देश की उन्नति होगी तो पूरे संसार की भी उन्नति में वो सहयोग होगा। और ये जो संसार चक्र जो चल रहा है वो जो है स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ पाएगा, इसीलिए कहा गया है। अब दो चीजें मैं आपको और बता देना चाहती हूँ जो मुझे पता है कि शायद मैंने पहले भी चर्चा कर दी है। अक्सर आप लोगों के अंदर एक चीज इस निबंध को पढ़ते समय जरूर प्रश्न आएंगे कि अद्वैतवाद क्या है। तो हमने अपने अगर हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा है तो उसमें आपने कई जगह पर द्वैतवाद, अद्वैतवाद, कई तरह के वादों की चर्चा पाई होंगी। अद्वैतवाद जो है उसका उसकी धारा जो है वो ये थी कि आत्मा और परमात्मा की एकता का जो सिद्धांत है, यानी आत्मा भी और परमात्मा एक है, उसका जो सिद्धांत है, उस विचारधारा को जो है अद्वैतवाद कहा जाता है। शंकराचार्य ने इसकी स्थापना की थी और वो मानते थे कि संसार में ब्रह्म ही सत्य है और जगत जो है वो मिथ्या है, भ्रमित है। जीव और ब्रह्म दोनों अलग नहीं है, क्योंकि जीव केवल अज्ञान के कारण ही ब्रह्म को नहीं जान पाता और वो अपने और ब्रह्म कहीं बाहर नहीं है बल्कि जीव के अंदर ही ब्रह्म का वास होता है। तो यहाँ पर वो इस बात को कहने की कोशिश करते हैं कि संसार जो है वो पूरी तरह से भ्रमित है और संसार में सत्य वो है ब्रह्म। और ब्रह्म कहाँ है? ब्रह्म स्वयं हमारे भीतर है, हमें हमारे भीतर अपने सत्य की खोज करनी होगी, तभी तो हम हमारे जो है जीवन को यानी ईश्वर से मिला सकेंगे। और ईश्वर को वो जो सत्य के रूप में हमारे अंदर विराजमान है, उसको जब तक हम पहचानेंगे नहीं, यानी अपने कर्म को पहचानेंगे नहीं, वो किसी और रूप में नहीं समझ में आए। तो इसीलिए उसको अद्वैतवाद का नाम दिया गया, शंकराचार्य जो है इसके संस्थापक है। और एक जो चीज बच्चे अक्सर समझते हैं कि ललित निबंध क्या है, पूछ लेते हैं मैडम ललित निबंध क्या है, इसका अर्थ क्या होता है। तो ललित निबंध जो होता है जिसमें बोध पक्ष अधिक और भाव जो है बोध पक्ष यानी जो आपका विषय पक्ष जो होता है उसमें उससे ज्यादा महत्वपूर्ण उसके अंदर उसकी भावनाओं को दिया जाता है। अब इसलिए ये बात है कि जैसे हमने ये निबंध शुरू किया तो
इसमें विषय पक्षी आप देखेंगे, उसमें विषय बहुत ही साधारण है, जिसे धोखा शब्द को लिया गया है, लेकिन उस धोखे के पीछे की भावनाएं और उस धोखे से जुड़ती हुई धीरे 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 बढ़ते बढ़ते वो कहाँ तक किस प्रकार से हमारे देश के जो है उन्नति के रूप में आ जाती है, तो वो भाव पक्ष को उजागर करता है। तो यहाँ पर जहाँ भाव पक्ष प्रधान हो जाता है वो ललित मोहन कहलाता है। जीवन की एक विशेष शैली के रूप में माना जाता है, बुद्धि की अपेक्षा हृदय को जो चीज स्पर्श करे, ये निबंध आपके दिमाग को कम और आपके हृदय को ज्यादा जागरूक करेगी। वो आपके हृदय को सोचेगी कि नहीं, हाँ सच में क्या हम धोखा खा रहे हैं या खुद भ्रमित है, हमें क्या हमारे देश के योगदान में बहुत कुछ करना चाहिए था या करना है। तो वो चीज जब हमारे हृदय को स्पर्श करती है और हमें जागरूक करने लगती है, तो वो चीज जो होती है वो ललित रूप में आती है। ललित का अर्थ होता है सौंदर्य, भव्य, ठीक है, तो इसलिए उसको कहा गया, इसीलिए यहाँ पर ललित निबंध के रूप में और मनोभावात्मक ललित निबंध के रूप में इसको स्वीकार किया गया है। ऐसी रचना में विषय बहुत ही गौण होता है और शैली का जो है चारुत्व, यानी जो लिखने की शैली और भाव प्रस्तुत होता है, उसका जो है वो बहुत अधिक होता है। तो इस रूप में हमने इससे चर्चा की, और आपका देखिए कोई अगर सवाल है तो बताइए। अद्वैत पाठ का मतलब क्या है, बताया मैंने, शायद आपको क्लियर हो गया होगा। अद्वैतवाद जो है वो आत्मा और परमात्मा की एकता का सिद्धांत है। अद्वैतवाद जहाँ पर जो है ब्रह्म ही सत्य माना जाता है, जगत को मिथ्या माना जाता है, और जीव और ब्रह्म अलग नहीं है और ब्रह्म जीव के अंदर ही वास करते हैं, ऐसा अद्वैतवाद जो है नीति मानी जाती है। और किसी विद्यार्थियों, अगर आपके और भी कोई प्रश्न है तो मैं आपसे पुनः एक बार निवेदन करूंगा कि आप लोग अपने प्रश्न जो है इस चैट बॉक्स के माध्यम से। मैम, एक प्रश्न आया है, विद्यार्थी पूछते हैं कि धोखा निबंध की शैलीगत विशेषताएं क्या है। चलिए, आपने लिखने ललित के प्रधान आपका ये उपन जो है निबंध है, जिसमें आपकी जो आपका विषय विषय वस्तु आ जाती है, और इसकी जो है बहुत ही साधारण तरीके से ये लिखी गई है, लेकिन इसके अंदर भावनाओं की गहराइयों को काफी मोड़ के दिखाया गया है, इस वजह से इसको कहा गया है। शैली जो होती है लिखने का तरीका, जो किस स्थिति से किस रूप में लिखा गया, वो यहाँ पर आपने अभी पूरे निबंध अगर आपने पढ़ा और जितना मैंने आपको उसमें शॉर्ट में समझाया, उसमें आप समझ गए कि शैली पक्ष इसका बहुत ही अच्छा है। उन्होंने हर घटना को बहुत ही उच्च तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से व्यक्त करने की जो कोशिश की है, शब्दों का संयोजन, वाक्यों का संयोजन, घटनाओं का संयोजन, उसकी अभिव्यक्ति, वही इसकी शैली की सबसे बड़ी विशेषता है, जो इस निबंध को पूर्ण रूप से सार्थक करती है, इसके उद्देश्य को भी सार्थक करती है। जी मैम, और एक प्रश्न आपको दिख रहा होगा, विद्यार्थी पूछते हैं कि ललित जीवन के बारे में और एक बार हल्का फुल्का थोड़ा बता देते, शायद मुझे लग रहा है उनकी कुछ डाउट है। अंजलि सर जी ने एक प्रश्न पूछा। नहीं, ललित जीवन नहीं है, ललित निबंध है। तो ललित निबंध जो है ना, जिस ललित का अर्थ होता है अच्छा, मीठा, सुंदर, बड़ा प्यारा, तो जो सुंदर हो, भव्य हो, खूबसूरत हो, उसको ललित निबंध कहा जाता है, ललित कहा जाता है, और जो सुंदर रूप में प्रस्तुत किया गया हो वो ललित निबंध कहलाता है। जहां पर उसकी अभिव्यक्ति इतनी खूबसूरत होती है, जो हमारे हृदय को अधिक स्पर्श करती है, हमारे मस्तिष्क पक्ष को कम पर जो है वो जागरूक करेगी, हमारे हृदय पक्ष को वो ज्यादा छुएगी, यानी जो भावनात्मक होती है और हमारी भावनाओं को ज्यादा झकझोर देती है, उसे ललित निबंध कह सकते हैं। तो हृदय पक्ष के प्रति इसमें जोर दिया जाता है, भाव पक्ष पे जोर दिया जाता है, और बुद्धि पक्ष या विषय पक्ष थोड़ा गौण रहता है, तो इसीलिए जो है ललित निबंध की खासियत होती है हृदय पक्ष मान लीजिए, जो हृदय पक्ष या हृदय की भावनाओं को छूते हुए आपके मनोभावों को जो है विचलित कर दे, वो ललित निबंध। जी मैम, विद्यार्थियों इसके इतर अगर आपको कोई प्रश्न है तो आप मैम से पूछ सकते हैं। निबंध के संदर्भ में अगर आपको कुछ ना समझाओ कि निबंध क्या होता है, ये कैसे अलग एक विधा है, तो ये प्रश्न भी आप मैम के समक्ष रख सकते हैं। क्योंकि कि जब हम निबंध के बारे में चर्चा करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में यह स्पष्ट हो जाना बहुत जरूरी है कि निबंध क्या होता है, वो कैसे अलग है साहित्य की बाकी विधाओं से। कहानी जब हम पढ़ते हैं ना, तो उसमें चरित्र होते हैं,
बहुत सारे चरित्रों को लेके, छोटी छोटी घटनाओं को लेके, किसी भी कोई घटना की अभिव्यक्ति बड़े जो है रोचक ढंग से की जाए। ठीक है, उपन्यास जो होता है उस कहानी का विस्तृत स्वरूप जो होता है वो उपन्यास आ जाता है, लेकिन निबंध जो होता है वो किसी एक विषय को लेकर, उस विषय के गांभीर्य को, उस विषय की स्थिति को, उस विषय से स्थिति से पढ़ने वाले समाज के ऊपर उसके प्रभाव को, हर पक्ष को बहुत गंभीर रूप से जब दर्शाता है वो एक निबंध कहलाता है। किसी एक विषय वस्तु को लेकर उसके गांभीर्य को प्रदर्शित करना निबंध आ जाता है। लेकिन कहानी में आपको रोचकता अधिक मिलेगी, निबंध में गांभीर्य अधिक मिलेगी। जी मैम बिल्कुल। प्रिय विद्यार्थियों, अंत में मैं आपको 2-3 मिनट अगर आपके पास है, आपके प्रश्न कुछ अगर आप पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, अन्यथा फिर हम अपनी कक्षा को समापन की ओर लेकर के जाएंगे। तो इस निबंध से संबंधित अगर आपके कुछ प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि आने वाले कक्षाओं में फिर हमारी जो चर्चा होगी मुख्य रूप से निबंध की ही अलग अलग प्रकार के निबंधों पे होगी, जिसमें रामचंद्र शुक्ल के मुख्य रूप से हम पढ़ेंगे। आप लोगों ने कहीं पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, चिंतामणि इतना प्रसिद्ध उनका निबंध है, उसके उसपे ही। जी जी मैम, निबंधों का संकलन है, उसके संदर्भ में हम लोग, उसके अंतर्गत तो बहुत सारे निबंध है, जैसे आज तो नहीं, हम लोग आने वाले कक्षाओं में पढ़ेंगे। तो इसलिए आज के व्याख्यान से संबंधित अगर आपके कोई भी प्रश्न हो तो आप मैम के समक्ष रख सकते हैं। लक्ष्मी प्रिया जी ने एक प्रश्न लिखा है। लक्ष्मी प्रिया जी, इस प्रश्न का उत्तर मैम ने दे दिया है, सर आपने ध्यान से सुना नहीं होगा। आप ही ने पूछा था कुछ समय पहले ही कि निबंध की शैलीगत विशेषता क्या है भाषा शैली के बारे में, तो मैम ने उसी को जोड़ते हुए आपके प्रश्न का उत्तर दे दिया है, क्योंकि बिना भाषा शैली के उसकी शैलीगत विशेषताएं उत्पन्न नहीं होती हैं। भाषा होती है, भाषा की अपनी शैली होती है, उससे फिर हम लोग शैलीगत विशेषताएं जो है उसमें जो विशेषताएं हमें लगती है वहां से उत्पन्न होती है। शैलीगत विशेषता मैम ने आपको पहले ही समझा दिया है, अभी ही समझाया है। लगता है मैम विद्यार्थियों कोई प्रश्न तो अभी मुझे दिख नहीं रहे हैं। हाँ मैं बताइए। प्रश्न, जी मैम, नहीं, मैं ये कह रहा था मैम कि अगर एक साधारण तौर पर मैं एक विद्यार्थी के हिसाब से अगर मैं ऐसी प्रश्न पूछता हूँ कि जब हम निबंध देखते हैं तो निबंध बहुत शुरुआत से लिखी जा रही है, बहुत प्रकार के निबंध लिखे गए। अगर मैं कहूँ कि प्रताप नारायण मिश्र, क्योंकि मैंने पहली बार रामचंद्र शुक्ल या द्विवेदी जी के अलावा अगर तीसरी कोई अगर लेखक की मैंने निबंध पढ़ी है तो प्रताप नारायण मिश्र की है। तो मैं मुख्य रूप से दो लोगों के निबंध मैंने आज तक पढ़े, अपने परीक्षाओं के द्वारा भी या तैयारियों में भी, अपने कोर्सेस में भी। तो अगर हम लोग बात करें रामचंद्र शुक्ल, जिनको कहा जाता है कि निबंध बहुत अच्छे निबंधकार थे, उनके निबंधों की मतलब उत्कृष्ट कोटि की निबंध लिखी कही जाती है, अगर रामचंद्र शुक्ल के निबंधों को अगर मैं प्रताप नारायण मिश्र जी के निबंधों से एक तरह से तुलना करूं लेखनी के तरीके पे या निबंधों में जिस विषय को रखा है, तो हम लोग क्या भिन्नता, मुख्य भिन्नता दोनों के निबंधों में देख सकते हैं? भिन्नता बहुत है। एक रामचंद्र शुक्ल के निबंध जो है उसमें उनका गांभीर्य, उनकी सोच, उनकी विचारधारा बिल्कुल अलग अलग तो नहीं थी, बस प्रस्तुतिकरण सबका अलग होता है। देखिए, आप देखेंगे देश के लिए हो, चाहे समाज के लिए हो, चाहे भावनाओं के लिए, कोई भी चीजें हो, अभिव्यक्ति सबकी अलग होती है, विषय वस्तु लगभग सबका समान ही होता है। तो बहुत कम विषय अलग अलग आते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रताप नारायण मिश्र जो है और बालकृष्ण भट्ट जो थे, उन लोगों ने इसकी नींव रखी, निबंध शैली की, निबंध लिखने की प्रक्रिया की जो उन्होंने नींव रखी। और निबंध में अगर दोनों के अंदर के तर्क में अगर आप दोनों में देखेंगे तो दोनों की तुलना करना बिल्कुल सही नहीं रहेगा, या हम कंपेयर करेंगे तो सही नहीं रहेगा। इनकी विचारधारा और इनकी लिखने की शैली, इनका गांधीर्य बिल्कुल अलग था। रामचंद्र शुक्ल एक अलग ही तरीके से सोचते थे। उनके चिंतामणि में जितने चीजें आती हैं, अगर आप लोभ, प्रीति, घृणा और बहुत सारे जो उनके आप पढ़ेंगे तो उसकी विचारधारा बिल्कुल भी अलग होगी। और उसको पढ़ने के बाद धोखा, अगर आप पढ़ते हैं, अगर एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं, तो धोखा बिल्कुल अलग तरह का विषय हो जाता है। तो दोनों की ही अपनी अपनी जो है खूबियां हैं, कोई ये नहीं है कि उनकी खूबी बहुत अलग थी या उनकी खूबी अलग थी, लेकिन लिखने की शैली और अभिव्यक्ति दोनों की बहुत ही अच्छी, दोनों का जी अपना काम जी जी निश्चित रूप में।
मैम विद्यार्थियों के इसके तो और कोई प्रश्न दिख रहे हैं तो हम अपनी इस कक्षा को यहीं समापन के लेकर के चाहते हैं, और फिर आने वाली कक्षा में मुख्य रूप से हम लोग रामचंद्र शुक्ल के निबंधों पर चर्चा करेंगे, जो मुख्य केंद्रित हमारी होगी वो कक्षा रामचंद्र शुक्ल के निबंधों पर केंद्रित रहेगी। तो वहां भी विद्यार्थियों आपसे आशा रहेगी कि आप अपने जो विषय है उससे संबंधित अपने ज्ञान वृद्धि करें। मैम ही लेंगी क्लास, क्योंकि मैम से मैंने निवेदन किया हुआ है और मैम ने हामी भी भरी हुई है। तो मैम की जो कक्षा होगी निबंध पे जो पढ़ के आएंगे ना तो बहुत उनको समझने में ज्यादा आसानी होगी। हाँ मैम, क्योंकि जब हम लोग साहित्य की विधा की बात करते हैं तो थोड़ा सा अपने आप में, जैसा काव्य शास्त्र हो गया, भाषा विज्ञान, निबंध, ये थोड़ा सा जटिल मतलब समझने की चीजें हैं। वाद फिर इसमें जब आ जाता है, जब हम लोग वाद की बात करते हैं तो ये थोड़ी सी जटिल विषय, जटिल तो नहीं करूंगा लेकिन थोड़ा पहले से पढ़ने वाला। तो नहीं कहानी जटिल तो है, उपन्यास क्या है जटिल क्या होता है ना, इसको वो जी पढ़ भी लेंगे तो उनको समझ में कुछ नहीं आएगा, लेकिन बस इतना है कि अगर एक बार हम जब इसको पढ़ लेते हैं और जब कोई हमको समझाता है तो उसको ग्रहण करना आसान हो जाता है। और किसी भी विषय पे जिसके जिसके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है, नॉलेज नहीं है, और हम उसमें चर्चा करना शुरू कर दें तो हमें कुछ समझ में नहीं आएगा कि ये सामने वाला क्या बता रहा है। तो इसीलिए मेरा मतलब यही सजेशन होता है कि कम से कम एक बार रीडिंग कर लीजिए। जी जी मैम, सही बात है, क्योंकि हम लोग भी जब विद्यार्थी थे, हम लोग जब बीए के बाद एमए में शुरुआत दिनों में गए तो वाद वगैरह, जिसमें पाश्चात्य काव्य शास्त्र जो वाद वगैरह, तो समझ में वाद क्या है, इसको क्यों साहित्य में पढ़ाया जा रहा है, इसका तो साहित्य से कुछ लेना देना नहीं है। फिर आगे चल करके जब थोड़ा सा डीपली जब उसको पढ़ते हैं तब पता चलता है कि वाद का कितना महत्व है, क्योंकि वहां से कितनी धाराएं जो निकल करके, जिसे आज हम लोग विस्तृत रूप में साहित्य में देख रहे हैं, कितनी सारी धारा निकल के आई है। तो तो साहित्य नहीं होता। जी, नहीं शुरुआत में लगता नहीं बात, आखिर पढ़ना क्यों हम लोग को, तो हिंदी साहित्य में से कहानी नाटक यहीं पर हम लोग सीमित रह जाते हैं उपन्यास तक, तो थोड़ा सा अपने आप में। जी मैम, तो प्रिय विद्यार्थियों बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, और मैम ने जैसा कहा आप लोगों से आशा रहेगी, उम्मीद रहेगी कि आने वाली कक्षा में जब आप निबंध के ऊपर कक्षा हो, निबंध पर चर्चा करना है, तो थोड़ी सी जो आपकी जो पाठ्य सामग्री जो आपको प्रेषित की गई है, कम से कम उसमें कुछ चीजें एक बार रीडिंग मार के आए, जिससे आपकी समझ जो है थोड़ी बेहतर हो जाएगी। क्योंकि कई बार जब हम पढ़ते हैं ना तो बहुत सारे, जैसे अभी एक विद्यार्थी ने पूछा वाद, अद्वैतवाद के संदर्भ में, तो आप जब मैम को सुना आपने तब आपको ये चीज समझ में आई कि अच्छा अद्वैतवाद कुछ होता है, तब आपने अपने प्रश्न रखे, जिज्ञासा रखी। तो यही होता है जब आप चीजें पढ़ते हैं तो आपकी कुछ ना कुछ शंका जो है वो निकल कर आएंगी, और उसे जब दूर करेंगे तो आपकी चीजें जो है ज्यादा क्लियर होंगी, आपको फिर आने वाले आप जब हायर एजुकेशन में जाएंगे तो बहुत काम में आएगी ये सब चीजें। तो धन्यवाद विद्यार्थियों आप सबों का पुनः एक बार इस कक्षा में जुड़ने के लिए, मैम का धन्यवाद, और बहुत आज के बहुत बाद जी मैम, आज के बाद तकनीकी सहायक जो है रुद्र प्रताप सर, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, लगातार शुरुआत से वो जुड़े हुए हैं, तकनीकी सहायता दे रहे हैं, तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और मैम निरंतर आगे हम लोग फिर मिलेंगे इस आशा के साथ, बहुत बहुत जी, धन्यवाद पुनः जी मैम। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का, थैंक यू सबसे मैडम, धन्यवाद थैंक यू सर। सर। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। प्रिय विद्यार्थियों आपसे निवेदन होगी कि कक्षा यहीं समाप्त होगी, इसके इतर भी अगर इस कक्षा से संबंधित आपके कभी कोई प्रश्न रहेंगे तो निश्चित तौर पर आप अपने प्रश्न मुझ तक संप्रेषित कर दीजिएगा, मैं मैम तक आपके प्रश्न संप्रेषित करने का कार्य करूंगा, उसके लिए निश्चिंत रहिए। जी मैम, आप चाहें तो अपनी ओर से इस कॉल का एंड कर सकती हैं। जी चलिए धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद मैम। प्रिय विद्यार्थियों लगातार पढ़ते रहिए, कोरोना महामारी का दौर है, चूंकि उड़ीसा में तो ज्यादातर जिले जो है लॉकडाउन या शटडाउन है, तो घर में रहिए, घर से बाहर नहीं निकलिए, बचे रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और इसी तरह अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। आप लोगों से निवेदन रहेगा कि इन चर्चा जो ऑनलाइन कक्षाएं हो रही है, इस संदर्भ में अगर आपके कभी कुछ फीडबैक रहे, फीडबैक इन द सेंस आपको कोई विषय पे आपकी समझ ना आई हो, कोई विषय पे आप दोबारा कक्षा चाहते हो, तो ये सब बातें भी आप पुस्तक संप्रेषित कर सकते हैं, ताकि मैं निश्चित रूप से उस विषय पर केंद्रित कोई कक्षा आप लोगों के लिए आज किसी बेहतर विषय विशेषज्ञ के द्वारा करवा सकूं। तो ये सब चीजें भी आप कुछ बेझिझक शेयर कर सकते हैं, कभी भी शेयर कर सकते हैं, और आपकी सहायता के लिए भी निरंतर हमेशा क्रमबद्ध हूँ, ये कहें से तत्पर हूँ, तैयार हूँ, बस आप लोग अपनी बात जो है वो खुल करके करें, क्योंकि प्रश्न बहुत कम आजकल, शुरुआती में बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आ रहे थे बहुत ज्यादा, अभी मैं देख रहा हूँ हो सकता है ये ऑनलाइन क्लासेस लगातार रोज चल रही है इस वजह से आप टायर्ड आ गई हो, फिर भी थोड़ी सी ऊर्जा बनाए रखिए, अपने प्रश्न वगैरह रखिए, चर्चाएं कीजिए, चर्चाएं आप करेंगे तो आपकी चीजें जो है बहुत सारी समझ विकसित होगी, और ये आप ही को सहायता देगी आने वाले समय में आपके पाठ्यक्रम में, आपके पढ़ाई से संबंधित है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी का पुनः एक बार जुड़ने के लिए, आज की कक्षा ये समाप्त होती है, आप लोग अपने ओर से अपने इस कॉल को एंड कर सकते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।